नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चोकोबार कैसे बनती है पूरा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले मैंने 12 लीटर दूध लिया है फुल फैट का। आज हम बिना होमोलाइजर और बिना स्किम मिल्क पाउडर के चोकोबार बनाना बताएंगे आपको। सबसे पहले 12 लीटर दूध लिया है मैंने। जब हम दूध में स्किम मिल्क पाउडर नहीं डालते, ना ही क्रीम डालते और ना ही कोई बटर, खाली दूध से ही हम आइसक्रीम बनाते हैं, तब हम दूध का ओवरन कम रखते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ कि खाली 6 फैट से दूध के चोकोबार बना रहा हूँ, तो उसमें मैं ओवरन कम रखूँगा। अगर मैं ज़्यादा ओवरन रखूँगा तो वो आइसक्रीम ज़्यादा फूल जाएगी और कॉटन कैंडी की जैसे लगने लग जाएगी, मुंह में जाएगी और घुल जाएगी और उसका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं होगा। जब भी आप आइसक्रीम खाली दूध से बनाओ, उसके अंदर कुछ भी ना डालोगे, तब आप ओवरन कम रखोगे। इस दूध में मैंने GMS 125 ग्राम डाला है। दूध में से जब धुआं निकलना शुरू हुआ, तब मैंने 2 किलो चीनी ली और उसमें 25 ग्राम ग्वार गम डाली मैंने। चीनी में ग्वार गम को अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है ताकि दूध में डालने के बाद किसी भी तरह के लम्स ना बने। जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरह से चीनी में ग्वार गम को मिक्स करके और दूध के अंदर डाल रहा हूँ। दूध को पूरा बॉयल करें। पूरा बॉयल करने के बाद ही GMS दूध में घुलता है, नहीं तो उसके छोटे छोटे लम्स रह जाते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब दूध को बॉयल आने के बाद ठंडा करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की मलाई नहीं आनी चाहिए। अगर दूध में मलाई आ गई तो आपका क्रीमी टेक्सचर नहीं बनेगा दूध का और दूध और पानी अलग हो जाएगा। यही ध्यान रखना है कि बार बार दूध को हिलाएं ताकि मलाई ना आए। जैसे मैं हिला रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ठंडा दूध हो चुका है। देख लो इसका टेक्सचर कैसा है, बढ़िया है एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे होमोलाइज किया है, पर ये बिना होमोलाइजर के है। दूध ठंडा होने के बाद मैंने रात भर दूध को डीप फ्रीज़र में रखा, फिर अगले दिन आइसक्रीम बनाने जा रहा हूँ, जैसे आप देख ही सकते हैं। और मैंने बैच फ्रीज़र में दूध 1.5 लीटर डाला है। डेढ़ लीटर बैच फ्रीज़र में दूध डालने के बाद इस कंपनी का मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया है। ये कंपनी ने लिखा तो ज़रूर है कि चॉकलेट फ्लेवर है, पर ये खाने में कॉफ़ी फ्लेवर जैसा है। इसमें कॉफ़ी की स्मेल आ रही थी, ये इतना बढ़िया नहीं है। मैंने पहली बार यूज़ किया है अपनी लाइफ में और इस एसेंस से दूध का रंग भी लाइट ब्राउन हो रहा था, ये दूध के कलर को भी चेंज कर रहा था ये एसेंस।
जब हम मोल्ड में कोई भी आइसक्रीम भरते हैं तो उसको हम सेमी सॉलिड फॉर्म में रखते हैं, बिल्कुल गाढ़ा नहीं करते हैं, ताकि सांचे के अंदर भरने में आसानी हो हमें। अगर ज़्यादा हम गाढ़ा कर देंगे अपनी मटेरियल को बैच फ्रीज़र के अंदर, तो वो सांचे में अच्छी तरह से फिलअप नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से भरेगा नहीं, हमें दिक्कत आएगी। इसीलिए जब हम मोल्ड में कोई भी आइसक्रीम भरते हैं तो उसको हम सेमी सॉलिड रखते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। मोल्ड में आइसक्रीम भरने के बाद फिर मैंने मोल्ड में सारे स्टिक लगाई। फिर उसके बाद मैं इसको -25 डिग्री के पानी के अंदर जमने के लिए छोड़ दूंगा। जमने के बाद फिर हम ये चॉकलेट की बेस को निकाल रहे हैं। इस चॉकलेट की बेस को हम 5 से 6 घंटा डीप फ्रीज़र में रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे ताकि इसके ऊपर जब हम चॉकलेट की कोटिंग चढ़ाएं तो वो बिल्कुल स्मूथली और अच्छी तरह से चढ़े। अगर हम इसको निकालने के बाद 1 घंटे के बाद हम अगर इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग चढ़ाएंगे, वो इतनी अच्छी नहीं चढ़ेगी, वो इतनी देखने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी हमें। और इसको अच्छी तरह से पका के ही इसके ऊपर कोटिंग चढ़ाई जाती है चॉकलेट की। तो मैं आपको चॉकलेट जिसमें डिप करते हैं उसका मिक्सचर बनाना बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इस कंपनी का पाम ऑयल लिया है। ये कंपनी का बहुत बढ़िया पाम ऑयल है। अगर आप सोचो कि आप अगल बगल से कहीं आप किराना स्टोर से आप पाम ऑयल उठा लाओ, वो इतना बढ़िया नहीं होता जितना ये बढ़िया है। मैंने 2 लीटर 700 ml पाम ऑयल लिया है इसमें। अगर जिसने ये वाला पाम ऑयल यूज़ नहीं करना है तो इसी कंपनी का कोको सिल्वर भी आता है, वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप सोचो कि मैं डालडा घी डाल के या रिफाइंड डाल के बना लूँगा, कभी भी नहीं बनेगी। मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं कूलेक्स से भी डिप करके देख चुका हूँ। और मैंने और भी एक्सपेरिमेंट किए, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने रिफाइंड ऑयल और किराना स्टोर से पाम ऑयल भी लेके दोनों को आपस में मिक्स करके भी बना के देख चुका हूँ, कोई भी इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है जितना बढ़िया इसका और कोको सिल्वर का है। दोनों एक ही कंपनी के हैं, ये बेस्ट हैं चॉकलेट डिप करने के लिए।
और इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। कोई भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ट्राई करके देख लेना, फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है ये। फिर मैंने मिल्क चॉकलेट ली है 1 kg। आप सोच रहे होगे कि डार्क चॉकलेट क्यों नहीं ली। डार्क चॉकलेट का टेस्ट इतना बढ़िया नहीं होता जितना इसका है। मिल्क चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें मिठास भी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये डार्क चॉकलेट से थोड़ी महंगी है पर ये अच्छी है। आप सोच रहे होगे कि मैंने चॉकलेट पेस्ट क्यों नहीं यूज़ किया, स्लैब क्यों यूज़ कर रहा हूँ। चॉकलेट पेस्ट इसलिए नहीं मैं यूज़ करता, एक तो निकालने के लिए उसमें बहुत दिक्कत होती है, हाथ पैर पूरे भर जाते हैं, और दूसरा कि वो जब हम डिप करते हैं वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है जितनी जल्दी ये चॉकलेट स्लैब सूखती है। सूखने के बाद ये कड़क हो जाती है और चॉकलेट पेस्ट नरम रहती है। जब आप स्लैब यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्लैब में डिप करने के बाद चॉकलेट जब हम ठंडा रखते हैं चॉकलेट को तो उसमें क्रिस्पीपन आ जाता है और पेस्ट में वैसा नहीं होता, पेस्ट मुलायम रहती है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और मिल्क चॉकलेट का टेस्ट भी अच्छा आता है डार्क चॉकलेट से। अगर आप चॉकलेट स्लैब यूज़ कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह से तोड़ें ताकि मेल्ट होने में कोई भी दिक्कत ना हो आपको, जैसे मैं किसी चीज़ की मदद से तोड़ रहा हूँ। इसके जितने छोटे छोटे टुकड़े करोगे उतनी ये जल्दी पाम ऑयल के अंदर मेल्ट होगी। अगर इसको बड़ा टुकड़ा ही सीधा डाल दोगे या इसके 2 टुकड़े करके डाल दोगे वो मेल्ट होने में दिक्कत होती है, तब इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। मिल्क चॉकलेट का कलर लाइट ब्राउन होता है। अब आप सोच रहे होगे कि लाइट ब्राउन है तो इसको डार्क कैसे किया जाए, तो इसमें मैं 1/2 kg चॉकलेट पेस्ट मिक्स करूँगा जिससे कि उसका कलर थोड़ा डार्क ब्लैकिश में आ जाए। चॉकलेट स्लैब का कलर लाइट ब्राउन था, उसको ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए, डार्क ब्राउन करने के लिए
मैं चॉकलेट पेस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं आधा किलो डाल रहा हूँ, जिससे इसका रंग डार्क ब्राउन हो जाएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी। चॉकलेट पेस्ट डालने से और थोड़ा सा मीठा बढ़ जाएगा पाम ऑयल के अंदर। फिर मैंने एक पतीला लिया और उसमें थोड़ा सा पानी लूँगा। वो इसलिए लूँगा कि इस मिक्सचर को मैं स्टीम से पकाऊँगा, सीधा डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं चढ़ाऊँगा। देखो, फिर मैंने मिक्सचर वाला बाउल इस पतीले के अंदर रख दिया और इसको गर्म करूँगा। वो इसलिए कि इसका जो टेक्सचर है अच्छा से निकल के आए। अगर हम सीधा डायरेक्ट गैस के ऊपर चढ़ा देंगे तो वो क्या होगा कि नीचे वाला जल जाएगा, चॉकलेट जो हमने डाली है ना स्लैब, वो नीचे जलने शुरू हो जाएगी, जिससे चॉकलेट का फ्लेवर अच्छे से नहीं आएगा, तो साथ में जले का भी टेस्ट आएगा। पाम ऑयल में चॉकलेट अच्छे से मिक्स होने के बाद इस मटेरियल को आप ठंडा करने के लिए रखें। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तब आप चॉकलेट डिप करना है, उससे पहले नहीं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा मिक्सचर, तब आप इससे चॉकलेट डिप करोगे, उससे पहले नहीं। जैसे आप देख सकते हो, अब मैं ये मटेरियल पूरा ठंडा हो गया, अब मैं चॉकलेट डिप करूँगा और ये बहुत जल्दी ही सूख जाएगी। अब आपको चॉकलेट बनाने का पूरा प्रोसेस पता लग गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।